बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इकराज मैजिक किचन। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ आप सब बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी मूली के पराठे की रेसिपी। तो वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप मज़ेदार सी रेसिपीज़ को एंजॉय कर सकें। तो आएँ आज की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 3 मूलियाँ ली। इसको अच्छी तरह से कद्दूकश करके पानी आपने उसका अच्छी तरह निचोड़ कर रिमूव कर देना। अब इसके अंदर स्पाइसिस को ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून इसके अंदर कोरिएंडर सीड यानी कि साबुत धनिया ऐड करेंगे। 1/2 टेबल स्पून नमक, 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून जीरा, थोड़ा सब्ज धनिया और 3 से 4 हरी मिर्ची ऐड करेंगे। मसालों को आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तमाम चीज़ों को मूलियों के साथ ऐड करने के बाद आपने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इस स्टेज पर आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जब आपने फिलिंग को पराठों में ऐड करना हो तो उस स्टेज पर ही आपने मसालों को ऐड करना है। पहले से आपने मसालों को इसके अंदर मिक्स कर नहीं छोड़ना, इस तरह से जो मूलियाँ दोबारा से पानी छोड़ देती हैं। तो ये देखें, मैंने थोड़ा सा छोटा सा एक डो बॉल लिया, उसको इस तरह से आपने फ्लैट कर लेना है। आपने बहुत ज़्यादा जो है बड़ी डो नहीं लेनी, इस तरह से आपके जो पराठे हैं वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो बहुत ही दरमियाने साइज का आपने डो बॉल लेना है, फिलिंग को ऐड करना है और दूसरी रोटी को इसके ऊपर इस तरह से ऐड करने के बाद आपने साइडों से अच्छी तरह से बंद कर लेना है। थोड़ा सा हुशका ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से बेल लेंगे। बेलते हुए आपने इसको बहुत ज़्यादा जो है जोर लगाकर नहीं बेलना, हल्के हाथ के साथ आपने बेलना है ताकि आपकी जो फिलिंग है वो अच्छी तरह से जो है प्रेस हो जाए और आपका पराठा बहुत ही अच्छी तरह से फ्लैट हो जाए। तो पैन को प्री हीट करने के बाद आपने पराठे को ऊपर ऐड कर लेना है। 2 से 3 मिनट के लिए ईच साइड आपने पहले इसको कुक करना है। उसके बाद साइड चेंज करने के बाद आपने इसके ऊपर घी को ऐड कर लेना है। आप चाहें तो आप इसके ऊपर ऑयल को भी ऐड कर सकते हैं। आपने इसको क्रिस्पी गोल्डन होने तक दोनों साइड से फ्राई करना है। 3 से 4 मिनट में आपका मज़ेदार सा मूली का पराठा बनकर रेडी है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को, मेरी रेसिपीज़ को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलेंगे दोबारा नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।